Hi friends, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of environmental law, which is mentioned in our case matter. Case ka naam hai MC Mehta vs Union of India AIR 2002 SC 1696. और ये जो केस है वो मुख्य रूप से CNG व्हीकल केस पे बेस्ड है. तो अब इस केस का फैक्ट इशू और जजमेंट पे आते हैं. इस केस का फैक्ट ये है कि इस केस में 1985 में MC मेहता सुप्रीम कोर्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के वायलेशन के ग्राउंड पे एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं और ये कहते हैं कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से राइट टू लाइफ का वायलेशन हो रहा है. और राइट टू लाइफ में राइट टू लाइफ इन हेल्दी इन्वायरमेंट भी इंक्लूड होता है. MC मेहता का यह कंटेंशन होता है कि दिल्ली में जो ये एयर पोल्यूशन है वो मुख्य रूप से इंडस्ट्री और व्हीकल से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, लीड और स्मोक की वजह से है. और सुप्रीम कोर्ट से ये प्रे करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अप्रोप्रिएट डायरेक्शन दे. इस केस का इशू ये है कि क्या दिल्ली के व्हीकल्स की वजह से दिल्ली में एयर पोल्यूशन हो रहा है, और अगर हाँ तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किस तरह का डायरेक्शन देगी. तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पे. सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39C, 47 और 48A स्टेट पर यह कलेक्टिव ड्यूटी इम्पोज करता है कि स्टेट पब्लिक हेल्थ और इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करे. सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन देती है कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक हाई पावर कमिटी का गठन करे. और इस ग्राउंड पे गवर्नमेंट जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 3 के तहत एक भूरे लाल कमेटी का गठन करती है. और भूरे लाल कमेटी के रिकमेंडेशन के ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट आगे कहती है, पहला, गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि न्यू व्हीकल्स में कैटलाइटिक कन्वर्टर्स फिटेड होंगे और सारे पेट्रोल पंप में लेड फ्री पेट्रोल प्रोवाइड किया जाएगा. दूसरा, सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स में Euro 1 और Euro 2 स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाएगा. और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट को यह डायरेक्शन देती है कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, चाहे वो DTC हो या फिर प्राइवेट, सब में CNG का इस्तेमाल किया जाएगा. तो इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट यही है. आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच. वैसे MC मेहता ने इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे केसेस फाइल किए हैं, इसलिए MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से बहुत सारे केसेस हैं. तो जब भी आपको MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस सर्च करना हो तो उसका AIR नंबर और SC नंबर ज़रूर चेक कर लें कि ये वही केस है जो आप सर्च कर रहे हैं या कोई और केस है. थैंक्स.